हेलो एवरीवन, मैं हूं पठान अकली। मैं आप सबका खुश आमदीद कहता हूं मेरे चैनल ओरिजिनल पाकिस्तानी में। 2020 में जो एक बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक रहा है लीक्ड वीडियो का, बहुत सारे सेलिब्रिटीज यूट्यूबर इन क्या कहते हैं सेलिब्रिटीज यूट्यूबर टिकटॉकर्स पाकिस्तानी में टिकटॉकर्स म्यूजिशियन सिंगर और हॉलीवुड सेलिब्रिटीज, इनकी बहुत सारी लीक वीडियोज जो हैं वो मंजर आम पे आई हैं, काफ़ी वायरल हुई हैं। एक बड़ा ट्रेंड रहा है लीक वीडियोज का, ट्रेंड होने का, वायरल होने का। और सबसे ज़्यादा जो लीक्ड वीडियोज आई हैं वो आई है राखी सावंत का, मतलब 2020 में सबसे ज्यादा लीक वीडियो जो रही हैं वो राखी सावंत की रही हैं, जो कि इंडिया में काफी मशहूर हैं अपनी क्या कहते हैं कि बोलने का लहजे, अपने एक बिंदास किस्म के एटीट्यूड के ऊपर उन्हें जो समझ में आता है वो बोलती हैं, फिर रोती हैं, फिर करती हैं, फिर बोलती हैं, फिर रोती हैं, फिर करती हैं, फिर बोलती हैं, लीक होती हैं वीडियोस, मतलब पूरा साल तकरीबन कुछ ना कुछ उनके साथ होता ही रहता है। और यही आई थिंक अगर आपको इन्फ्लुएंसर बनना है तो उसका यही एक तरीका है कि आप ट्रेंड में रहने का, कि आप कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल करते रहें, कुछ ना कुछ वीडियोज लीक करते रहें या कुछ ना कुछ ऐसा करते रहें कि आप न्यूज़ का, लोगों का, ऑडियंस का, तवज्जो का हिस्सा रहें, लाइमलाइट पे रहें। अब लाइमलाइट पे हैं, मशहूर हैं, फेमस हैं, लोग आपको देख रहे हैं, जान रहे हैं, सर्च कर रहे हैं गूगल पे, इसका मतलब ये है कि आप कुछ कर रहे हैं, लोग आपको जानते हैं और करते हैं। मुझे जैसे जो यूट्यूबर्स हैं जो बोलते हैं और अपनी शक्ल दिखाते हैं, किसी किस्म की लीक वीडियोज़ नहीं करते, किसी किस्म की कंट्रोवर्शियल बात नहीं करते, उनकी इतनी मकबूलियत नहीं होती, ना उनका कोई इतने फैंस होते हैं। तो मेरी आज की वीडियो भी राखी सावंत के बारे में, उनकी 2020 के इस कंट्रोवर्शियल स्कैंडलेस लीक वीडियो के ऊपर मैं बात करूंगा। तो मेरी वीडियो को देखते रहिएगा और इस किस्म और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस किस्म की इंफोटेनिंग वीडियोज मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तो जनाब, अभी साल के स्टार्ट होते ही एक लीक वीडियो और आ गई राखी सावंत के, जिसके अंदर वो बिकनी और अपने मतलब तकरीबन आधी न्यूड किस्म की तस्वीर जो है, वीडियो है, जिसके अंदर वो कपड़े चेंज कर रही हैं, बार बार पीछे वो के हिला हिला के दिखा रही हैं, आगे वो के झुक झुक के दिखा रही हैं वीडियो। ये इनकी वीडियो लीक हुई है अभी फॉरन, मतलब यू कैन इमेजिन कि साल का इब्तिदा ही उनकी लीक वीडियो से हुई है। 2021 के जो हैप्पी न्यू ईयर ही हुआ है वो उनकी लीक वीडियो से हुआ है। बाकी जो है ज़्यादातर अगर आप इवन यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, यू कैन सर्च ऑन गूगल राखी सावंत स्कैंडल्स एंड यू कैन गेट अ लॉट ऑफ लीक वीडियो, जिसके अंदर ज़्यादातर जो इनकी वीडियोज़ हैं कंट्रोवर्शियल वीडियोज़ हैं वो ज़्यादातर सेक्स स्कैंडल्स पर हैं, वीडियो लीक पर हैं। वीडियो लीक के यार मुझे ये एक चीज़ समझ में नहीं आती, लीक्ड वीडियो क्या होती है? ऑफकोर्स यू मेड अ वीडियो, यू पुट इट ऑन डिजिटल, जाहिर सी बात है ताकि वो वायरल हो। लीक का अगर आप वर्ड यूज़ करते हैं तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करते हैं, और शायद लोग भी, हमारी ऑडियंस भी इस चीज़ का वेट कर रही होती कि चलो भाई राखी सावंत की कोई लीक वीडियो आए, साल महीने में या हफ्ते में एक दो दफ़ा उनकी लीक वीडियो आए, तो ताकि हम लोग भी थोड़े से एंटरटेनमेंट करें। आई थिंक एंटरटेनमेंट जो है वो इस तरीके से ही हो गई है, और खासतौर पर हम इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, आई वुड लाइक टू ब्लेम दैम, इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटीज़ क्या कहते हैं रीमिक्स गर्ल या फिर डांस गर्ल जो भी आप कहें, उनको उन्होंने इस तरीके का हमारे ऑडियंस का बना दिया दिमाग की लीक वीडियो हो या कंट्रोवर्शियल वीडियो हो, या किसी को गालियाँ दे रहे हो, ट्रॉल कर रहे हो, ये कुछ ऐसा करें तो ये आप मशहूर होंगे। और आई थिंक ये हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म भी जो है वो इसी चीज़ पे ज़्यादा हो। तो इनके तीन जो खास स्कैंडल्स जो हैं वो क्या कहते हैं राखी सावंत का वो रहे हैं लीक वीडियोज़ के ऊपर, इनकी किसिंग के ऊपर और इनकी शादी के ऊपर, जिसमें इनके बॉयफ्रेंड भी आए थे, फिर इन्होंने एक गेम शो भी किया था उसमें भी शादियां करी थी, फिर और एक यूट्यूबर भी हैं खास तौर पे एक हजरत हैं, उनके ऊपर भी साथ शादी का उन्होंने बड़ा कंट्रोवर्शियल किस्म का एक पूरा सिनेरियो किया था यूट्यूब के ऊपर, काफ़ी लाइव वीडियोज़ भी करी थी, काफ़ी कंट्रोवर्शियल बातें भी करी थी जो कि इनके स्कैंडल में शामिल हैं। तो अब आई डोंट नो, मैं वीडियोस ये जो मैं बना रहा हूँ, इससे पहले मैंने क्या कहते हैं बकास जका के बारे में भी स्कैंडल्स के ऊपर वीडियो बनाई है। ये एक ट्रेंड है, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, आपको कंट्रोवर्शियल वीडियोस बनानी है, आपको किसी किस्म की उल्टी सीधी हरकत करनी है, लीक वीडियोस बनानी है, आना है सबके सामने, आके रोना धोना है, लोग आपको माफ भी कर देंगे। तो जिस तरीके से वकास जका के बारे में मैंने बात करी थी, उन्होंने उनके जो है क्या कहते हैं इल्यूमिनाटी और दो तीन और तरीके से वो कंट्रोवर्शियल रहे तो लोगों की नज़रों में रहे, ऐसी राखी सावंत जो है उनकी लीक वीडियोज़ रहीं, किसेस के ऊपर उनका काफ़ी रहा, और उनके किसेस आई थिंक लड़के के साथ भी अंपायर के साथ भी, सबके साथ उन्होंने किसिंग करी है, सीरियल किसर आई थिंक एक हमारे हाशमी साहब भी मशहूर हैं, बल्कि ख़वातीन के अंदर जो है वो राखी सावंत काफ़ी मशहूर हुई अपनी वीडियोज़ के ऊपर। मसला ये होता है कि कोई आपकी एक वीडियो वायरल हो जाती है तो लोग फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसी वीडियो से रिलेटेड चीज़ें देखना शुरू कर देते हैं, और राखी सावंत के साथ भी यही हुआ है कि ऑफकोर्स शी कॉल्ड हरसेल्फ सेक्स बॉम्ब, शी कॉल्ड हरसेल्फ डांस गर्ल और आइटम गर्ल, तो इसी किस्म के उन्होंने अपना ऑरा बनाया हुआ, इसी किस्म की वो चीज़ें बनाती हैं, इसी किस्म की वो वीडियोज़ बनाती हैं। इवन जो लोग होते हैं ज़्यादातर आई थिंक मैंने अपनी जो मैं वीडियो चला रहा हूँ इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें हाइड करी हैं, बिकॉज आई बिलीव माई कॉन्टेंट इज़ फैमिली कॉन्टेंट, आई डोंट वॉन्ट टू प्रोमोट दीज कंट्रोवर्सीज, आई डोंट वॉन्ट टू डू सम कंट्रोवर्शियल थिंग, आई डोंट वॉन्ट टू डू एनी थिंग दैट
क्रिएट किसी किस्म का डिस्रप्शन. आई बिलीव कि आई माय कंटेंट इज फैमिली कंटेंट एंड आई प्रमोट दैट ओनली. सो दिस इज द थिंग. राखी सावंत जो हैं काफ़ी मशहूर रही हैं 2020 में अपनी लीक वीडियो के लिए, जिसमें इनके सेक्स के भी लीक वीडियोज आई हैं. इनकी न्यूडिटी पे भी तकरीबन 18 प्लस नहीं तो 13 प्लस 16 प्लस न्यूडिटी के ऊपर भी इनकी लीक वीडियोज आई हैं. इनके मसाज के ऊपर भी लीक वीडियोज आई हैं. फिर इन्होंने बहुत रोना धोना भी शुरू किया, माफियाँ भी मांगी, अब मैं ये नहीं करूँगी. भगवान के ऊपर भी आई हैं, पॉलिटिक्स के ऊपर भी इन्होंने चीज़ें करना शुरू कर दी थी. मतलब आई थिंक इनकी जो PR एजेंसी इट्स वेरी गुड, जो इनको मुस्तकिल कोई ना कोई ट्रेंड्स का बताती रहती है और उस हिसाब से ये अपनी वीडियोस लीड करती रहती हैं और इस वजह से काफ़ी मशहूर भी हैं. लोग काफ़ी उनको पसंद करते हैं, चाहते हैं, नफरत भी करते हैं. वही बात है, नफरत और मोहब्बत का एक बड़ा खूबसूरत इम्तिसाज इनके साथ रहता है और लोग इनको देखते भी हैं. मैं भी कोशिश करूँगा, शायद मेरी भी कोई एक लीक वीडियो निकल जाए और शायद मैं भी इस तरीके से मशहूर हो जाऊँ. बट दिस इज़ वट आई डोंट वॉन्ट, कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत करके भी मैं अगर कुछ थोड़े बहुत पैसे कमा रहा हूँ यूट्यूब से तो वो भी मैं हराम हो गया. दिस इज़ वट आई डोंट वॉन्ट एंड आई डोंट वॉन्ट टू बी फेमस एज ए कंट्रोवर्शियल पर्सन. लोग मैं देखते हैं, कुछ लोग हैं पसंद भी करते हैं एंड दिस इज़ वट आई बिलीव के इस तरीके से मैं पर्सनली आई माई सेल्फ वुड लाइक टू प्रमोट माई सेल्फ. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. मैंने बहुत सारी चीज़ें क्या कहते हैं हटाई भी हैं, थोड़ी सी चीज़ें दिखाई भी हैं. लीक वीडियो का ट्रेंड रहा है 2020 में, आई बिलीव 2021 में भी लीक वीडियोज़ काफ़ी इन रहेंगी. बहुत सारे हमारे टिकटॉकर्स हैं वो भी अपनी लीक वीडियोज़ निकाल रहे हैं और हमारे बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं वो भी इस किस्म की लीक वीडियोज़ निकाल रहे हैं. तो अगर आप लोगों को भी मशहूर होना है तो लीक वीडियोज़ निकालें, कुछ इस किस्म की हरकतें करें तो ज़रूर मशहूर होंगे. और क्या, बट एक सवाल ज़रूर अपने आपसे करिए कि क्या आप इस किस्म से इस तरीके से मशहूर होना चाहते हैं कि नहीं. मुझे अपने कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा. मेरे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस किस्म की बोरिंग कह दूँ, इंटरटेनिंग तो नहीं, बोरिंग वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ. मैं हूँ पठानक्रीम, आप देखें मेरे चैनल ओरिजिनल पाकिस्तानी.